बीते शुक्रवार को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में संगरूर नगर में हुए ऑनर किलिंग ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। वहीं ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस निर्मम हत्या की घटना की निंदा करते हुए इसे संविधान और इस्लाम के अनुसार आपराधिक कृत्य करार दिया है। बता दें कि हैदराबाद में जनता को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हम संगरूर में हुई घटना की निंदा करते हैं और महिला ने स्वेच्छा से शादी करने का फैसला किया। वहीं महिला के भाई को उसके पति को मारने का कोई अधिकार नहीं है और यह एक आपराधिक कृत्य है। मैं खुलकर कह रहा हूं, वो जो वाकया सरू नगर में हुआ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी मजम्मत करती है, कंडम करती है, हम उसका कंडम करते हैं, इसलिए कि इस्लाम में शादी जो होती है दो मुस्लिम मर्द और मुस्लिम खातून में होती है तो ही निकाह होता है। हिंदू मैरिज एक्ट में आपको हिंदू होना जरूरी है तभी आपकी शादी लीगल होती है। समझना बात को आप, ये समझो पॉइंट को, नहीं तो यहां पर भी चुरपुर बहुत शुरू हो जाएंगे। इन्हें शुरू कर दिए देखो, एकदम ऐसा हाल है कि फंस गए रजिया गुंडों में, हाल हो गया मेरा। यहां पर इस लड़की ने अपने पसंद से शादी की, कानूनन उसको इजाजत है, कानूनन उसको इजाजत है, उसने शादी कर ली, तो उनके भाई को ये कोई जवाब उनके पास नहीं है कि वो जाकर उस बच्ची के शौहर का कत्ल करे। आपको पसंद नहीं था, ठीक है, आप मुंह फेर लेना था, मैं पसंद नहीं, ठीक है जाओ तुम, मगर आपने जुल्म किया, गलत हरकत की और मजलिस इसका कंडम करती है।